हेलो स्टूडेंट्स, तुमको बहुत बहुत स्वागत ए वीडियो रे। तो देखो आम इंटीग्रेशन कंटिन्यूड चैप्टर रो बेसिक आम फंडामेंटल सीखी दे। तो चलो आज आम कौन करवा एक्सरसाइज 9G रो सॉल्यूशन करवा। तो मुझ तुमको ए वीडियो रे 9G रो क्वेश्चन नंबर 1 रो सॉल्यूशन सीखेबी। देखो बहुत इजी, तुम वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो ताले इजीली सीखी पारिबो। सिंपल सिंपल तुम एग्जाम रे भी यार रिलेटेड जदि क्वेश्चन आसीबो इजीली करि पारिबो। तो चलो देखिबा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आमर यही सब क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन नंबर 1 रे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर आई जोटा कि लिखा है 2x + 3 रो रूट ओवर डिवाइडेड बाय एक्स डीएक्स। तो यही चैप्टर आम करूँ कौन यही चैप्टर में आमको कौन सिखाऊँ जदि आम पाखे गोटे इरेसनाल फंक्शन आउ रेसनाल फंक्शन अच्छी कौन थी गोटे इरेसनाल फंक्शन आउ गोटे रेसनाल फंक्शन अच्छी ताहले आम कौन करवा से जो इरेसनाल फंक्शन कहीपार ओनली इरेसनाल भी नुह जो एमती एमती फंक्शन थी जो कि देख ये सब क्वेश्चन देखने भी तुम्हें जापार जो आम पाखे गोटे रेसनाल फंक्शन माने जो जार पावर की किसी गोटे इंटीजर थी सहीटा है रेसनाल फंक्शन बट जो फ्राक्शनाल पावर रहा सहीटा है इरेसनाल फंक्शन ठीक अच्छे जमीक ये 1/3 अच्छी ये 1/4 अच्छी से 3/4 अच्छी सहीटा ही है इरेसनाल फंक्शन। सो आम कौन करवा चैप्टर में आम जोटा भी फ्राक्शनाल पावर वाला फंक्शन अच्छी ताकू आम सब्स्टिट्यूशन हेल्प्रे कौन करवा फ्राक्शन पावर को आम कौन करवा रिमूव करवा रिमूव करवा द्वारा कौन हम तापर एमती गोटे फर्म आसीज जो फर्म कि आम इंटीग्रेशन इजिली कर पार्थे ठीक अच्छे। तो ये डायरेक्टली जदि आम करवा डायरेक्टली इंटीग्रेशन हेनी तो से आमको यही नुआ टेक्निक शिखा को पड़ू ये चैप्टर में। तो चलो ताले क्वेश्चन करवा। तो देख ये देखिपार जो 2x + 3 रूट ओवर अच्छी तेल मुझे सब्स्टिट्यूशन कौन नेबी लेट 2x + 3 इक्वल टू मुझे टी स्क्वायर कहीं बिकज 2x + 3 रूट ओवर मीन 2x + 3 पावर 1/2 मुझे कौन करने को चाहूँ फ्राक्शन को रिमूव करने को चाहूँगी। तो रिमूव केमी करी जदि मुझ टी स्क्वायर नहींजी तेल टी स्क्वायर पावर हाफ ही गले 2 कैनसल हो फ्राक्शन टा रिमूव हो ठीक अच्छे से ही आईडिया ये। तो 2x + 3 इक्वल टू टी स्क्वायर नहीं जापर ये यार डेरिवेटिव के दिस इज 2 एंड दिस इज 2t इक्वल टू dt बाय dx आम दुटा साइड 2 कैनसल कर दे पार। सो फाइनाली dx इज इक्वल टू आमको मिल जाव टी dt है बट ये पुणी देख आम ऊपर प्लेस रे तो टी स्क्वायर पुट कर करदे ठीक कथा बट देख तले आमर x अच्छी एटी तो टी स्क्वायर यूज करहबनी तो से आम कौन करवा एक्स रैल्यू भी फाइंड करदे जो सब्स्टिट्यूशन नहींचु से तो देखिपार 2x + 3 इक्वल टू के टी स्क्वायर ताहले आमको ये एक्स रैल्यू के टी स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय 2 मिलना। तो एक्स रैल्यू मिलगला टी स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय 2 मुझ कहीं करुच्चे एमती बिकज एवं आम टोटाल को टी रे कन्वर्ट करने को पड़ो से मुझ जो जो एक्स लिखाई तार वैल्यू भी फाइंड करदेली। तो ऊपर तो डायरेक्ट आम टी स्क्वायर पुट कर बट ये एक्स लिखाई ता वैल्यू भी फाइंड करदेली। तो चलो इंटीग्रेशन आम यूज करवा दुटा को तो टी स्क्वायर जदि यूज करवा टी स्क्वायर रूट ओवर हो टी हो एंड डीएक्स रैल्यू आम पाखे के ठीक आउ एक्स रैल्यू के टी स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय 2 है। तो ये देख कौन हम ये 2 तो टी स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स आमर सामने को 2 आसी बिकज टी स्क्वायर -3 बाय 2 को जदि आम उल्टे लिखा नेक्स्ट स्टेप रे ताले केते हिजो 2 गोटे कांस्टेंट रही सामना को आसी आउ टी इंटू टी के रहा टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के टी स्क्वायर -3 एतक डीटी हे ठीक अच्छे। नेक्स्ट आगे बढ़िया एवं यही टाइप क्वेश्चन आम कर आगु करूँ मुझ कौन कही आम सब्स्टिट्यूशन कलापर एमती गोटे फर्म आसव जार इंटीग्रेशन कि आम आगु करा। तो ये देखिपार टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर -3 अच्छी माने सेम डिग्री अच्छी ऊपर डिग्री भी 2 तल डिग्री भी 2। तो एबे आमे कौन करपर ये केस्रे 2 रहा एटी आम टी स्क्वायर गोटे -3 आ गोटे कौन करी +3 आम यहाँ शिखीचु जो जो केस्रे आम पाखे जो सेम डिग्री वाला क्वेश्चन आसीगला फर्म आसीगला ताले आमे सेठी कौन करू जहाँ डिनोमिनेटर थाए ताकू केमिति ऊपर आनी हेबो सेइटा चेष्टा करू से मुझे कौन कली देखिली डिनोमिनेटर टी स्क्वायर -3 थिला से कौन कली गोटे -3 आ गोटे +3 करदेली। एबे एटा करी साला पर नेक्स्ट स्टेप आमे कौन करूथिले तापरे नेक्स्ट स्टेप सेपरेटली डिवाइड करूथिले। तो सेपरेटली डिवाइड कले कौन हम ये 2 तो रहिला डिवाइड कला पर दिस इज 1 एंड दिस इज 3/t² -3
एथकी कौन डी टी क्लियर ताले एठी देख टू रहिला याकु जदि आमे एलजेब्रा लगेबा दिस इज ओनली डी टी प्लस एठी थ्री आसी जीव बाकी रहिबा डी टी बाय टी स्क्वायर माइनस थ्री ठीक क्लियर नेक्स्ट आगे बढ़िया नेक्स्ट है दिस इज टू डी टी रहा इंटीग्रेशन टी से थ्री यार आम फर्मूला पढ़ीचु कौटी पढ़ी थे पार्सीआल फ्राक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अच्छी ना यहाँ देख टी स्क्वायर थ्री जो अच्छी या तो मुझे रूट थ्री स्क्वायर लिखिपरि लिखे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फर्मूला कौन पढ़ी थे वन बाय टू ए वन बाय टू रूट थ्री लन एक्स माइनस ए दैट मीन टी माइनस रूट थ्री बाय टी प्लस रूट थ्री रड प्लस सी ठीक अच्छे तापर या को टू मल्टीप्लाय करवा मल्टीप्लाय कर टू टी एटी ए टू टू कैनसल ओनली रूट थ्री रहा लन टी माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय टी प्लस रूट थ्री रड प्लस केत रही देन आम क्वेश्चन इंटीग्रेशन होगा तो लास्ट आम कौन करवा टी वैल्यू यूज करदे व्हाट इज टी देख टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू टी स्क्वायर दैट मीन टी इज टू टू एक्स प्लस थ्री रूट ओवर ताले ये केते हिजबो टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री रूट ओवर प्लस रूट थ्री इंटू लन ये केते हेबो टू एक्स प्लस थ्री रूट ओवर माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस थ्री रूट ओवर प्लस रूट थ्री रड प्लस सी दिस इज दि रिक्वायर्ड सोल्यूशन ठीक अच्छे जो तुम चाहो या नोट डाउन कर दियो देख सेकेंड आई क्वेश्चन सेकेंड आई क्वेश्चन आमर देला रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सेवेन डिवाइडेड बाय एक्स डीएक्स ठीक तो तुम कौन ध्यान देव जोटा आमर रूट अच्छी और फ्रैक्शनल पावर अच्छी ताको रिमूव करने चेष्टा कर सब्स्टिट्यूशन हेल्प रे तो मुझे ये कौन करी लेट नहीं जी एक्स स्क्वायर माइनस सेवेन इक्वल टू के टी स्क्वायर एवं जस्ट आम करें जो रूट ओवर रिमूव करने कौन नहीं टी स्क्वायर ठीक तो टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवेन इक्वल टू टी स्क्वायर जदि नहीं जावा तेल ये देख डेरिवेटिव कले के हम दिस इज टू एक्स दिस इज टू टी डी टी बाय डी एक्स ठीक अच्छे तो ये टू टू कैनसल सो आमर एक्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी डी टी आस बट देख आम पाखे ये एक्स डी एक्स कौटी भी ना ओनली डी एक्स अच्छी तो डी एक्स वैल्यू फाइंड करदे डी एक्स इज इक्वल टू आसीज टी डी टी डिवाइडेड बाय एक्स तुम्हें जाच जिते सब्स्टिट्यूशन यूज करुचु आम टी ताल आम टोटाल को कौन करने को पड़ इन दि फर्म अफ टी लिखा पड़ो इन दि फर्म अफ टी लिखा पड़ो तो ये तो आम टी लिखीद ठीक कथा बट डीएक्स रैल्यू देख के आई बाय टी डी टी बाय कौन आस देख यूज कले कौन हम देख ये आम के यूज करवा टी स्क्वायर ना सो टी स्क्वायर रूट ओवर दैट मीन टी ओनली एंड ह्वाट इज डीएक्स dx is t dt divided by x होना नहीं आउ देखो आगुरु गोटे कौन अच्छी एटी x अच्छी आगुरु गोटे ठीक तो ये केते ही जीवो ए ही जीवो t square by x square एटा कौन ही गला this is t into t t square divided by x square dt तो question हला एटी तो with respect to t अच्छी तो total टा in the form of कौन रहिबा दरकार टी रहा दरकार बट आमर ये कौन है गोटे एक्स स्क्वायर अच्छी माने गोटे इन दि फर्म अफ एक्स अच्छी तो या पुणी टी फर्मे कन्वर्ट करा पड़ो केमी कन्वर्ट करवा देख एक्स स्क्वायर माइनस सेवेन इक्वल टू के टी स्क्वायर ताल एम को एक्स स्क्वायर वैल्यू के एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सेवेन मिलना तो ये तेल के टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस सेवेन डी टी प्रॉब्लम सॉल्व एबे पुणी देखो एबे जस्ट करथिले प्रीवियस क्वेश्चन जेमिति टेक्निक यूज करथिले सेही टाइप रो टेक्निक यूज करबा एठी कोन लिखिबा याकू नेक्स्ट स्टेप रे टी स्क्वायर मु पुणी कोन करी गोटे प्लस सेवेन आ गोटे माइनस सेवेन करबी ना जेमिति थिला सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन भली तो सेम डिग्री अछि तो ताले डिनोमिनेटर जहा अछि ताकू आमे न्यूमरेटर रे आनिबा पई चेष्टा करबा हला तो एबे देखो याकू जदि आमे डिवाइड कर देबा दिस इज 1 एंड दिस इज 7 बाय टी स्क्वायर प्लस सेवेन एतकी कौन डी टी है तो इंटीग्रेशन कले दिस इज डी टी एलजेब्रा लगे दिस इज सेवेन डी टी बाय कौन हम ये टी स्क्वायर प्लस सेवेन को मुझे लिखिदेवि रूट सेवेन स्क्वायर है तो डी टी इंटीग्रेशन टी दिस इज सेवेन आउ यार इंटीग्रेशन कौन हम डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कौन हुए वन बाय ए दैट मीन वन बाय रूट सेवेन टेन इनवर्स एक्स बाय ए दैट मीन टी बाय रूट सेवेन
प्लस केते सी हैला। सो फाइनली एठी देखो टी रो वैल्यू केते टी इज आवर एक्स स्क्वायर माइनस सेवेन रूट ओवर देखी पारुचो एक्स स्क्वायर माइनस सेवेन रूट ओवर एठी गोटे रूट सेवेन कटिज ओनली रूट सेवेन रही देन टेन इनवर्स पुणी टी प्लेस लिखा एक्स स्क्वायर माइनस सेवेन रूट ओवर डिवाइड बाय रूट सेवेन प्लस केते सी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखो एबे थर्ड क्वेश्चन करिबा। थर्ड क्वेश्चन आमर देछि रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू ठीक। तो कौन करिया पुणी रूट एक्स को आम को रिमूव करिया को पड़िबा सही इरेशनल फंक्शन। तो एठी कौन करिबा ताले लेट एक्स इक्वल टू केते नै जिबा टी स्क्वायर ठीक। रूट को उठेबा पई सेटा ही करिबा। तो ताले पुणी एठी डेरिवेटिव केते हो 1 इक्वल टू 2t dt by dx। सो दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू केते मिलि जिवा हमको 2t dt ठीक अछि। तो एठी ताले उपरे हमर होइ जिवो t स्क्वायर रूट ओवर दैट मींस t एंड dx रो रूट ओवर हला 2t dt देन व्हाट इज x x हला t स्क्वायर। सो t स्क्वायर प्लस 2 होइ जिवो डिनोमिनेटर रे बुझि पारछ। एबे देखो एबे कोन होबो देखो एठी गोटे 2 कांस्टेंट रहिला बाकी की रहिला t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 2 dt। देखो पुणी से सेम क्वेश्चन पुणी कोन करिबा गोटे प्लस 2 आ गोटे माइनस 2। सो t स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 2 dt हैला। एबे कोन करिबा देखो या को जदी डिवाइड कर दबा ताले दिस इज 1 माइनस 2 बाय t स्क्वायर प्लस 2 एतकी कोन होबा dt हैला। एबे देखो एलजेब्रा जदी लगे देबा 2 दिस इज dt हि जिवो एठी dt हि जिवो देन माइनस पुणी 2 कांस्टेंट आसी जिवो बाकी रहिबो dt बाय t स्क्वायर प्लस 2 ये रही जिवो। एबे देखो 2 व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt dt इज t माइनस 2 ये कोन लिखिबा t dt बाय t स्क्वायर प्लस 2 को केते लिखिबा रूट 2 रो स्क्वायर ठीक अछि। फार्मूला रे आसी गला देखो 2t व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t देखो x इक्वल टू t स्क्वायर हेले t इक्वल टू कोन होबा रूट x माइनस 2 यार फार्मूला कोन 1 बाय 2a ना। तो 1 बाय 2a मींस नॉट 1 बाय 2a 1 बाय a dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो परे आमे t वैल्यू यूज करिबा फर्स्ट आमे एठी सेकंड इंटीग्रेशन करि सारला परे यूज करिबा ताले इजी होबा। तो 2 रहिला 1 बाय a मींस 1 बाय रूट 2 इनटू 10 इनवर्स x बाय a दैट मींस t बाय रूट 2 प्लस केते हबा सी बुझि होउची। तो देखो नेक्स्ट हला 2 टी रो वैल्यू केते टी होउची रूट एक्स। सो दिस इज रूट एक्स या को कैंसिल करले रूट 2 हबो देन 10 इनवर्स टी होउची रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस केते सी हला। जे 2 मल्टीप्लाई करबा पई चाहेबो ताले करि परिबो। देखो आईवी क्वेश्चन कोन देछि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनटू 3x प्लस 2 रो पावर 1 बाय 3 डीएक्स एतकी अछि। तो केमिति करबा देखो पुनी देखो एठी जोटा फ्रैक्शनल पावर अछि कोटा अछि एटा ए टर्म। तो पुनी हमें सब्स्टिट्यूशन हेल्प नबा लेट 3x प्लस 2 इक्वल टू नै जिबा टी रो केते नबा क्यूब हमें ए जाय जते थिला 1 कोन थिला रूट 2 थिला दैट मींस 1 बाय 2 थिला सेति पे हमें टी स्क्वायर नउथिले बट एठी देखो केते लेखाइ छि 1 बाय 3 सेति पे हम केते नै छि टी क्यूब हला। देन एबे देखो डिफरेंशिएट करबा एठी आसीबो 3 सेपटे आसीबो 3 टी स्क्वायर डी टी बाय डी एक्स एठी 3 3 कैंसिल। सो डी एक्स इज इक्वल टू हमको मिली जिवो टी स्क्वायर डी टी डी एक्स इक्वल टू केते मिली जिवो टी स्क्वायर डी टी ताले ये केते हेबो देखो एबे एठी पुनी हां आ गोटे जिंसो एठी तो टी क्यूब यूज कर दबा ठीक कथा बट एठी एक्स अछि ना आमे एठी एक्स रो वैल्यू भी फाइंड कर दबा। तो देखो एक्स हमको केते मिलिबो 3x मिली जिवो टी क्यूब माइनस 2 सो दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू मिली जिवो टी क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 बुझि होउची। तो चलो यूज करिबा सब डाटा को एक्स जगह रे मु केते लिखिबी टी क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 हैला। या को केते यूज करिबा टी क्यूब पावर 1 बाय 3 दैट मींस टी हि जिवो तापर पुनी डीएक्स रो वैल्यू केते टी स्क्वायर डीटी बुझि होउची। एटी कांस्टेंट किए 1 बाय 3 सामना को नै जिवा बाकी टी इंटू टी स्क्वायर इज टी क्यूब ताकू जदि हम मल्टीप्लाई कर दबा ताले यही जीव टी टू दी पावर 6 माइनस 2 टी क्यूब डी टी मुटी स्पीड करूची बिकज इजी कैलकुलेशन जस्ट सिंपल आम ए टाइप रो इंटीग्रेशन आगुरु करी सारी छु तो सेति पे मोटा टी स्पीड करूची ठीक। आकू बढ़िबा एबे देखो 1 बाय 3
देन टी टू दि पावर सिक्स रिएसन तुम जान डायरेक्टली लिखुची टी टू दि पावर सेवेन बै सेवेन माइनस टू इंटू टी क्यूब रिएसन के टी टू दि पावर फोर बै फोर है प्लस सी है ये कैनसल करदे पारे टू टू जे फोर तो एबे देख एबे कौन कर ए टर्म आसला परे देखि पार छ दीटा टी रो पावर फॉर्म में आछि तो एबे देखिबो ए दीटा रो आमे कोन कॉमन नै परिबा हला ए दीटा रो आमे कोन कॉमन नै परिबा देखो गोटे अछि टी टू दि पावर सेवेन आ गोटे अछि टी टू दि पावर फोर तो मु एठी ताले कोन कॉमन नै परिबी टी टू दि पावर फोर ओबियसली सो टी टू दि पावर फोर बाय केते रहिबो थ्री एठी हिजिबो केते टी क्यूब डिवाइडेड बाय सेवेन माइनस दिस इज वन बाय टू प्लस सी हला डायरेक्ट टी वैल्यू यूज करिवनि फर्स्ट देखिबा जदि टी रो पावर फॉर्म में सबले आसी सेइ केस रे सबले कोन करिवो जोटा टी रो पावर कॉमन आसी ताकु कॉमन नै जिवो कॉमन नै सालला पर देन पुट करिवो ताले आंसर पूरा बुक रे भी जहा दिछि सेइ आंसर एग्जैक्टली आसीबो हला तो चलो करिबा ताले नेक्स्ट देखो आम पाखरे एटी टी वैल्यू केते अछि देखो आम पाखरे 3x + 2 = t³ नै थिले तो टी इक्वल टू ताले केते 3x प्लस 2 रो पावर 1 बाय 3 तो एटा केते हि जिवो ताले एटा एतकी हेबो ना देखो लेखुची 3x प्लस 2 टू दि पावर 4 बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 एतकी हेबो ना नाही बिकॉज टी रो वैल्यू केते 3x प्लस 2 रो पावर 1 बाय 3 तो तारो एठी टी टू दि पावर कोन लेखाइची 4 दैट मींस 1 बाय 3 जाय रे एबे केते हि जिवो 4 बाय 3 पावर हि जिवो जेहेतु पावर केते 4 बुझि होउची डिवाइडेड बाय 2 रहिला नेक्स्ट व्हाट इज टी क्यूब इज आवर 3x प्लस 2 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 बाय 2 प्लस केते सी एबे कोन करि परिबो याकु 3x प्लस 2 टू दि पावर 4 बाय 3 रही गला डिवाइडेड बाय 2 एठी आमे जदि एलसीएम नबा दिस इज 14 प्लस केते सी एठी देखो 2 मल्टीप्लाई हेले दिस इज 6x प्लस 4 माइनस 7 सो आवर फाइनल आंसर इज 3x प्लस 2 टू दि पावर 4 बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 ये ही जीव 6x 4 माइनस 3 7 इज माइनस 3 डिवाइडेड बाय 14 प्लस सी है तो पुणी जदि तुम 3 कॉमन आनी की जदि कैलकुलेशन लिखिबा पय चाहिबो ताले लिखि परिबो 14 इनटू 2 18 भी करि परिबो ताले कर देबा एको आ गुटे स्टेप 3 इनटू 3x प्लस 2 टू दि पावर 4 बाय 3 इनटू एठी रही जीव 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 14 इनटू 2 इज 28 प्लस केते सी सो दिस इज दि रिक्वायर्ड आंसर देख एबे क्वेश्चन नंबर भी देखिबा भी कहिछि एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 रो पावर 1 बाय 3 ठीक अछि तो तुमको कौन देखिबा अछि जोटा फ्रैक्शन पावर अछि ताकु देखिबा अछि तो फ्रैक्शन पावर देखि पर छ डिनोमिनेटर अछि ताले हमें कौन करिबा लेट 2x माइनस 1 इक्वल टू केते नै जिबा टी क्यूब ताले डेरिवेटिव कले केते हेबो 2 इक्वल टू 3 टी स्क्वायर इनटू डीटी बाय डीएक्स ठीक सो व्हाट इज डीएक्स डीएक्स इज इक्वल टू हमको मिलि जिवो 3 टी स्क्वायर बाय 2 इनटू डीटी ठीक अछि पुनी देखो हमको ऊपर x रो वैल्यू भी दरकार पड़िबो तो एठु x रो वैल्यू देखो केते आसीबो x वैल्यू आसीबो जिवो हमरो टी क्यूब प्लस 1 बाय 2 आसीबो ना 2x इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1 सो x इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1 बाय 2 तो चलो ताले यूज करिबा x x प्लेस रे मु केते यूज करबी टी क्यूब प्लस 1 बाय 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज 2x माइनस 1 दैट इज टी क्यूब पावर 1 बाय 3 कोले टी हेबो देन dx रो वैल्यू केते देखो 3 टी स्क्वायर बाय 2 इनटू डीटी हला तो एठी देखो 3 बाय 2 एठी गोटे आमे टी कैलकुलेशन करिया को पड़िबो हां गोटे टी आमे कैंसिल कर दे परिबा एटू टी सेटू गोटे टी हला बाकी केते रहिला देखो टिके एठी ध्यान दे की कैलकुलेशन करिबो बिकॉज ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हे की अछि तो ये रहिला देखो एठी जदी आमे एलसीएम नेबा 2 आसीबो 2 आसीला पर टी क्यूब प्लस 1 प्लस 4 हबो तापर टोटल इनटू केते रहिबो देखो गोटे टी कैंसिल हेची बाकी रहिला 3 बाय 2 टी एतकी रहिगला हला एबे देखो कांस्टेंट की अछि देखो एठी 3 बाय 2 एठी गोटे 2 अछि ताले आमे सामना को नै आसीबा काहा को 3 बाय 4 तो एठी की रहिबो टी क्यूब प्लस 4 प्लस 1 इज 5 इनटू केते रहिबो देखो ओनली टी डीटी कांस्टेंट सब तो सामना को आसी हेछि हला एबे आमे टी को मल्टीप्लाई करि परिबा तो टी जदि मल्टीप्लाई कर दबा ये केते हिजबो दिस इज टी टू द पावर 4 प्लस 5 टी डीटी
आम टी टू दि पावर फोर रि इंटीग्रेसन जाचु आउ फाइव टी रि जाचु तो डायरेक्टली इंटीग्रेसन करवा तो कते लिखा एवं थ्री बाय फोर टी टू दि पावर फोर रिंटीग्रेसन के टी टू दि पावर फाइव बाय फाइव देन टी रिंटीग्रेसन के टी स्क्वायर बाय टू सो फाइव टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस सी है तो एथे देख मु तुमको कही जिते टी रवर आस फास्ट कौन कर फास्ट जहाँ भी कमन जाऊँ कमन नहीं जीव तो देख ये गोटे कमन आसी स्क्वायर ताले आम थ्री टी स्क्वायर बाय फोर करदे देन एटी बाकी रही ये टी स्क्वायर जदि आसला टी क्यूब रे हम ओनली फाइव बाय टू प्लस सी है देन थ्री टी स्क्वायर बाय फोर या को तुम एलसीएम नहीं जीव दिस इज टेन प्लस सी ये टू टी क्यूब प्लस ट्वेंटी फाइव है ए फाइनाली आम टी वैल्यू यूज करवा सो व्हाट इज टी टी इज टू एक्स माइनस वन टू दि पार वन बाय थ्री बिकज टू एक्स माइनस वन इक्वल टू टी क्यूब सो टी इक्वल टू टू एक्स माइनस वन टू दि पार वन बाय थ्री तो फास्ट देख थ्री टी स्क्वायर लिखाई ताले केते हो थ्री इंटु टू एक्स माइनस वन पावर केते हो टू बाय थ्री हम ना बिकज टी रैल्यू हूँ टू एक्स माइनस वन पावर वन बाय थ्री तो तार जब स्क्वायर करवा केते हो टू बाय थ्री हे डिवाइडेड बाय फोर है देन व्हाट इज टी क्यूब इज आवर टू एक्स माइनस वन सो टू इंटु टू एक्स माइनस वन प्लस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय टेन प्लस सी है तो केते हे ये थ्री इंटु टू एक्स माइनस वन पावर टू बाय थ्री डिवाइडेड बाय फोर ये गला फोर एक्स फोर एक्स या सिंप्लीफाई कले आम मिल जाव फोर एक्स प्लस ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाय टेन प्लस सी है सो दिस इज दि रिक्वायर्ड आंसर ठीक अच्छे चलो ए आई देखा भि आई क्वेश्चन कौन कहला देख से कहला एक्स प्लस टू इंटु एक्स प्लस वन पावर वन बाय फोर डीएक्स देख ये भी बहुत सिंपल पुणी आमको ये वन बाय फोर पावर को रिमुव करने को पड़ो कौन करवा लेट एक्स प्लस वन इक्वल टू नहीं जावा के टी टू दि पावर फोर तो डेरिवेटिव कले कौन हम ये दिस इज वन दिस इज फोर टी क्यूब इक्वल टू डी टी बाय डीएक्स सो दिस इम्प्लाइज डीएक्स इक्वल टू के फोर टी क्यूब डी टी ठीक अच्छे तो देख आमको पुणी एक्स वैल्यू दरकार पड़ो बिकज यही टर्म पर तो एक्स वैल्यू के देख टी टू दि पावर फोर माइनस वन तो यूज करवा के टी टू दि पावर फोर माइनस वन प्लस टू इंटु दिस इज टी ओनली एंड डीएक्स इज फोर टी क्यूब डी टी है तो ताले केते ही जीव देखो फोर आसीगला बाकी रहिला टी टू दि पावर फोर प्लस वन इंटु टी टू दि पावर फोर डी टी ठीक अच्छे जस्ट खाली वैल्यू पुट कर देछे आउ किछि नै तो एबे याकु जदि ब्रैकेट ओपन करिबा ये हे टी टू दि पावर एट प्लस टी टू दि पावर फोर डी टी है या इंटीग्रेशन कले के फोर इंटु देन दिस इज टी टू दि पावर नाइन डिवाइडेड बाय नाइन प्लस टी टू दि पावर फाइव डिवाइडेड बाय फाइव प्लस सी नेक्स्ट कौन कर तुमको कही जदि टी रवर आसला ताहले सेठी कौन कर जहाँ भी टी रवर थी कमन नब देन तुम एवं टी रैल्यू पुट कर तो ये किए कमन आस टी टू दि पावर फाइव कमन आसीज तो फोर इंटु टी टू दि पावर फाइव कमन आसला बाकी किए रहा टी टू दि पावर एटी रही फोर डिवाइडेड बाय नाइन प्लस वन बाय फाइव ठीक अच्छे ना वन बाय फाइव प्लस सी ठीक चेक करदे है एवं तुम टी रैल्यू यूज करके सिंप्लीफाई कर मुझे स्टेप तुम्हें छाड़ दूसरी है तो यहाँ भि आई ही गला तो चलो एवं भि डबल आई सॉल्यूशन देखा देख भि डबल आई पुणी देखिपार ये थ्री बाय फोर अच्छी ना तुमको थ्री को ध्यान देवा दरकार नहीं जो फ्राक्शन है जो बाय फोर अच्छी से फोर को ही आम रिमुव करवा तो कौन करवा लेट एक्स प्लस टू इक्वल टू आम नहीं जा टू दि पावर फोर है पुणी यहाँ डेरिवेटिव कले दिस इज वन एंड दिस इज फोर टी क्यूब डी टी बाय डीएक्स ठीक तो डीएक्स इज इक्वल टू आमको मिल जाव फोर टी क्यूब डी टी क्लियर पुणी एक्स वैल्यू दरकार पड़ा ऊपर टर्म पर ऊपर जेहेतु एक्स माइनस वन अच्छी सो एक्स इक्वल टू के मिल टी टू दि पावर फोर माइनस टू है तो यूज कले के टी टू दि पावर फोर माइनस टू माइनस वन डिवाइडेड बाय तले के टी क्यूब होना बिकज टी टू दि पावर फोर रवर थ्री बाय फोर 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 कैनसल सो ओनली टी क्यूब
देन डीएक्स इज इक्वल टू व्हाट इज डीएक्स दैट इज 4t³ dt हैला तो एठी देखो टी क्यूब कैंसिल कर दे परबा 4 इज आवर कांस्टेंट सो से सामना को आसी जीव बाकी रहइबो टी टू द पावर 4 माइनस 3 एतकी कोन रहइबो dt तमे टी टू द पावर 4 रो इंटीग्रेशन जानिचो केते हेबो टी टू द पावर 5 बाय 5 माइनस 3 टी हैला एतकी प्लस सी हैला एठी देखो पुनी कोन हबो गोटे टी कॉमन आसी परबो सो 4t हेले दिस इज टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 प्लस सी हैला नेक्स्ट स्टेप तमे निजे करि परबो टी रो वैल्यू जानिचो टी केते x प्लस 2 टू द पावर 1 बाय 4 एठी यूज करबो आ टी टू द पावर 4 मींस केते x प्लस 2 पुट करले तमे आंसर निजे बुक रे जो देइछि ताको भी चेक करि परबो हैला तो सेही स्टेप मु छाडी देउछि सेटा तमे निजे करबो तो चलो एबे यार लास्ट क्वेश्चन देखि देबा क्वेश्चन नंबर V3i देखो V3i गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो ए क्वेश्चन केमिति करबा आमे dx अछि ना एटा देखो एठी दीटा एको कोन हम फ्रैक्शनल पावर अछि केमिति देखो मु देखे देउछि √x मींस x टू द पावर हाफ एंड 3√x मींस x टू द पावर 1/3 हैला तो ताहले आमे एमिति सब्स्टिट्यूशन नेबा जेमिति कि दीटा फ्रैक्शन पावर उठि जइबो हैला तो टेक्निक कोन देखो आमे जदि x इक्वल टू t² नेबा ओनली ए कटिबो आ जदि x इक्वल टू t³ नेबा ताहले ए फ्रैक्शन कटिबो बट ए फ्रैक्शन रहि जइबो हैला तो तमे कोन करिबो 2 आउ 3 ताकु मल्टीप्लाई करले केते 6 ना 2 आउ 3 ताकु जदि मल्टीप्लाई करबा केते हबो 6 हबो तो आमे कोन करबा और तमे एमिति भी कहि पारो 2 आउ 3 रो एलसीएम केते लसागु केते 6 ना तो सेति पय आमे कोन करबा x इज इक्वल टू केते नै जिबा t टू द पावर 6 नै जिबा केते नै जिबा t टू द पावर 6 काहे कि बुझि पानलो ना जदि t स्क्वायर नेबी एटा ए फ्रैक्शन कटिबो बट सेही फ्रैक्शन कटिबोनी जदि t क्यूब नेबी ए फ्रैक्शन कटिबो ए फ्रैक्शन कटिबोनी तो आमे गोटे एमिति t रो वैल्यू पुट करिया दरकार x प्लेस रे t पावर एमिति नेबा दरकार जेमिति कि दीटा टर्म रो कोन होइतिबो ए फर्स्ट टर्म रो भी फ्रैक्शन उठुतिबो सेकंड टर्म रो भी फ्रैक्शन उठुतिबो तो सेथि पय मु कोन करबी ए केस रे जदि मु x इज इक्वल टू केते नै जिबी t टू द पावर 6 केमिति गेस कली 2 आउ 3 रो मु देखिली 2 आउ 3 रो जदि एलसीएम नबा केते होचि 6 तो सेथि पय 6 नै गले हि जिवो तो एठी जदि भाबिनो एठी 3 थांता सेठी 4 थांता ताले 3 आउ 4 रो एलसीएम केते 12 ताले आमे केते नै थांते x इक्वल टू t टू द पावर 12 टेक्निक बुझि पालो ना से टेक्निक यूज करिवो तो एबे डेरिवेटिव कले कोन हबो दिस इज 1 दिस इज 6 * t टू द पावर 5 dt / dx सो दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू 6 * t टू द पावर 5 dt हैला तो ये केते हि जिवो ताले दिस इज 6 * t टू द पावर 5 dt रहिला तापरे तळे हमर केते रहिबो देखो ये हि जिवो t टू द पावर 6 जदि यूज करिबा ये हि जिवो t क्यूब आ से हि जिवो t स्क्वायर हैला एबे देखो एबे कोन हबो देखो 6 तो कांस्टेंट रहि गला बाकी रहिला t टू द पावर 5 एठी देखो आमे गोटे t स्क्वायर कॉमन आनी परिबा बाकी रहिबो t माइनस 1 dt एतकी रहिबो नेक्स्ट एबे देखो आमे t स्क्वायर एठी कैंसिल कर देले ये हे जिवो 6 * t क्यूब डिवाइडेड बाय t माइनस 1 dt हला एबे कोन करि परिबा देखो 6 * t क्यूब को मु लिखि देबी t क्यूब माइनस 1 प्लस 1 काहे कि लिखिली बिकॉज़ तळे हमर की अछि t माइनस 1 सेथि पई एबे याकु कोन करि परिबा 6 * t क्यूब माइनस 1 मींस t माइनस 1 * t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय केते t माइनस 1 कोन कलि एटा a क्यूब माइनस b क्यूब फार्मूला कोन a माइनस b * a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर तापर 1 यूज करिछि देन सेपरेटली डिवाइड कर देले दिस इज 6 रहिला ये रहि जइबो t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 देन 1 बाय केते रहिबो से t माइनस 1 एतकी कोन dt ठीक अछि तो एठी जदि हम इंटीग्रेशन करिबा केते हबो दिस इज t क्यूब बाय 3 दिस इज t स्क्वायर दिस इज t 1 रो इंटीग्रेशन आ यार इंटीग्रेशन केते ln t माइनस 1 रो मॉड प्लस केते c देन तमे कोन करिबो t वैल्यू यूज करिबो t केते x टू द पावर 1 बाय 6 ताले 6 * t रो वैल्यू होची x टू द पावर 1 बाय 6 क्यूब अछि ना तो केते हि जइबो t टू द पावर हाफ हि जइबो डिवाइडेड बाय 3 बुझि पारछो ना बिकॉज़ t इज x टू द पावर 1 बाय 6
नॉट टी दिस इज एक्स टू द पावर हाफ हम बिकज वन बाय सिक्स पावर थ्री थ्री बाय सिक्स दैट मीन थ्री बाय सिक्स मान थ्री आम जो कैनसल करवा हाफ हो तो एक्स टू दि पावर हाफ रे के देख एक्स बुझी पार ना यहाँ मुझे डायरेक्टली करुच्ची है बिकज टी हूँ एक्स बाय एक्स टू दि पावर वन बाय सिक्स एक्स टू दि पावर वन बाय सिक्स तार जो स्क्वायर करवा यार जो स्क्वायर करवा के देख टू बाय सिक्स दैट मीन एक्स टू दि पावर के वन बाय थ्री तापर टी रैल्यू के एक्स टू दि पावर वन बाय सिक्स प्लस लॉन एक्स टू दि पावर वन बाय सिक्स माइनस वन मोड प्लस सी है ये गला आमर एनसर क्वेश्चन नंबर भि थर्ड आई तो कम्प्लीट हो गला क्वेश्चन नंबर वन सॉल्यूशन मुझे स्पीड करपीड करज ये टाइप इंटीग्रेशन आम शिखीचु तुमको मेन कौन शिखा अच्छी मुझे कौटा कैलकुलेशन करा प्लस माइनस कौटी भूल पाए बट तुम टेक्निक कौन से शिखा दरकार है ये जो फ्रैक्शनल पावर को आम केमी रिमूव करुचु से इम्पोर्टेंट है जो तुम बुझीगल किसी क्वेश्चन करदे तुम इजिली कर तो वीडियो रे एतिकी नेक्स्ट वीडियो रे पुणी आमे क्वेश्चन नंबर टू रो सॉल्यूशन देखिबा सेठी पुणी एई टाइप रो ही क्वेश्चन अछि हैला तो जदि तुमको वीडियो टी भल लागिछि ताले वीडियो टी को लाइक करो आउ तुम सांग मानके संगे भी शेयर करो तो देखाबा पुणी नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू।